लेमू का इस्तेमाल करके किस तरह से आप अपने सर में मौजूद तमाम जूओं और लीकों का खात्मा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। आज की वीडियो इतनी कमाल की है कि आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, वो भी बग़ैर पैसे खर्च किए। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो स्पेशल उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों के सर में जूओं की वजह से परेशान हैं। स्कूल गोइंग बच्चों में अक्सर ये मसला देखने को मिलता है कि उनके सर में जूएं पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनको सबके सामने शर्मिंदगी का एहसास होता है और माएँ भी इस वजह से बहुत परेशान हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आज हम लेमन का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ लेमू के इस्तेमाल से आपके सर में मौजूद तमाम जूएँ लीखें ख़त्म हो जाएंगी। लीमू का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ख़ास है। लीमू में सिट्रिक एसिड होता है जो जिसकी वजह से जूओं को मारने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ लेमन का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कोई और चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं करनी। तो आपने अपने बालों के हिसाब से ही लेमन का इस्तेमाल करना है। अगर छोटे बच्चों में यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा ले लें, अगर बड़े बाल हैं तो आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल जितना आपको ज़रूरत हो कर सकते हैं। लीमू को कट कर लें और उसका जितना भी जूस है वो आपने निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है जी। और फिर इसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो जी बस हमने सिर्फ़ और सिर्फ लेमन जूस का ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आपने इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी है, ठीक है। अपने बालों के हिसाब से आप लेमन ले लें, एक लें दो लें, जितने आपके बालों में आ जाएं, जितने आपको ज़रूरत हो उतने ही आप लेमन कट कर लें, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ़ एक ही लेमन को कट किया है, ये सिर्फ़ आपको मैंने वीडियो दिखानी थी। तो अब इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे कि आपने अपनी फिंगर टिप की मदद से अपने सर पे जो है ना, अपने सर की जो है जिल्द, उसके ऊपर बालों की जड़ों में आपने इस लेमन जूस को अप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बालों पे लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने बालों में अच्छे से कंघी कर लेनी है ताकि आपके बाल जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएं और आपको फिर ये जूस अप्लाई करने में ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। जिस तरह से आप अपने बालों में तेल लगाते हैं ना, बस सेम वही तरीका है। आपने बालों को इस तरह से दोनों हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से खोल के, तो बीच में जो है ना वो बालों की जड़ों में आपने ये तमाम जो लेमन जूस है उसको अप्लाई करना है अच्छे तरीके से, अपनी फिंगर की मदद से, फिंगर टिप्स की मदद से, जिस तरह से हम बालों में ऑयलिंग करते हैं या मसाज करते हैं ना, तो उस तरीके से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए बस आपने ये बालों में अप्लाई कर लेना है। अगर आपके बाल लेंथी हैं, लॉन्ग हेयर हैं, तो बालों की लेंथ में भी आपने अपनी उंगलियों की मदद से इस लेमन जूस को लगा लेना है। बच्चों के लिए भी ये बहुत मुफीद है, किस किस्म का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको बालों में अप्लाई करने के बाद आपने बालों को अच्छे तरीके से लपेट लेना है और फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपने सर को वॉश कर लेना है। एक ही बार के इस्तेमाल से आपको जूओं से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। तो आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।